नमस्कार मुँ गणेश सर आपन अच्छे बीएसएस के क्विज डिवीजन रे आलोचना करबा ओडिसा स्टेट स्कॉलरशिप विषय रे जत छात्र छात्री मानकर कमेंट रहतले कि सर 2024-25 सेशन पई ओडिसा स्टेट स्कॉलरशिप केबे आसुची तो से सूचना हमर हस्तगत है जे विस्तृत भाबरे आलोचना करबा जे को माने सब एलिजिबल हेबे से प्रकार आवेदन समय रे को कोन डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हबो आ आवेदन रो शेष दिनांक केबे रहै छे विस्तृत चर्चा करवा तो पूर्व बीएसएस के चैनल जिन वाता निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करवा वीडियो संग साथी मन को शेयर करे वीडियो को गोटे निश्चित लाइक रखिए। तो ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पटरला 2024-25 सेशन पई ए ओपन हो जाए ठीक अच्छे को मैंने एलिजिबल हेबे आपणकर समस्त वर्गर छात्र छात्री समस्त वर्गर छात्र छात्री जो मैंने भी से प्रकार प्लस टू ठारु पीएचडी करुछंती प्लस टू ठारु पीएचडी कर आई आई टी हो आई टी आई हो नर्सिंग हो डिप्लोमा हो प्लस थ्री हो जे कौन सी पाठ पढ़ुं तो आपण मैंने एलिजिबल हे स्कॉलरशिप ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पाइबापी जदि आप बिलंगस करो वर्गर से प्रकार एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी ईडब्ल्यूएस ठीक अच्छे ए वर्गर जब आपने बिलंगस कर तो आपण मैंने एलिजिबल हे स्कॉलरशिप पाइबापी मुझे मुझे स्कॉलरशिप पाथिली कि ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप टा मो पीएचडी मो समय रे मते 20,000 गत वर्ष पर्यंत मते मिली थिला ठीक अच्छे। तो जो मैंने से प्रकार प्लस टू प्लस थ्री अच्छा जो मैंने हॉस्टल रे रहउछन्ती से मानको से प्रकार 15,000 10,000 15,000 सेमती मिले जो मैंने अति हायर अध्ययन करउछन्ती तो से मानको पखापाई 20,000 मिले है ना। तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी है ना ए वर्गर छात्र छात्री मान को जो मैंने भी आवेदन करेंगे आईटीआई करूँ बा नर्सिंग करूँ बा इंटीग्रेटेड बीएड करूँ जहाँ भी करूँ आप ओडिशा भितर पढ़ु बा आउट ऑफ स्टेट पढ़ु मुझ तो ओडिशा बाहर पढ़ू थी तो आउट ऑफ स्टेट भी जदि पढ़ूं तो आपन को स्कॉलरशिप मिल जदि आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रो बिलोंग्स करो चंती तापरे ध्यान देबे कि पेरेंट्स करो ठीक अच्छे पेरेंट्स करो जो एनुअल इनकम रहिबो सेटा 2,50,000 रु कम हेतबा आवश्यक ठीक अच्छे। आउथरे कथा मु स्पष्ट कर दउ छी एससी बीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस समस्त वर्गर छात्र छात्री एठी एलिजिबल हेबे सेमती कोनोसी निर्धारित एतिकि संख्याक पिला को दिया जीव नाही जो माने भी आवेदन करिवे से माने पाइबे तांकर पेरेंट्स को एनुअल इनकम टी 2,50,000 रु कम हेतबा आवश्यक ठीक अच्छे। तो से प्रकार आवेदन प्रक्रिया चली डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी आपण मैंने आवेदन करेंगे केमती आवेदन करेंगे आवेदन समय रे कौन कौन आवश्यक हम तो आम पोर्टलटा ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टलटा खोली जाइछि आपणकर शेष दिनांक आवेदन ऑनलाइन माध्यम रे करेंगे 15 डिसेंबर 2024 ठीक अच्छे 15 डिसेंबर 2024 जो मैंने न्यू एडमिशन होती प्लस टू प्लस थ्री पीजी एमफिल पीएचडी किसी भी है ना बा आईटीआई नर्सिंग जहाँ भी आपन एडमिशन नहीं पाखे एडमिशन रिसीव थी कॉलेज आई कार्ड थी ठीक अच्छे से सब कॉलेज रो डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हम बाकी आपणकर कास्ट रेसिडेंट इनकम ये तीन टी सर्टिफिकेट निहाती दरकार न्यू सर्टिफिकेट ठीक अच्छे। तो कास्ट रेसिडेंट एवं इनकम सर्टिफिकेट ता सहित तो आधार कार्ड रे आपणकर मोबाइल नंबर टी संयोग होता आवश्यक हेले आपण एलिजिबल हेबे से प्रकार ए डॉक्यूमेंट सब लगे प्रथम तो आधार कार्ड लगे है ना आधार कार्ड लगे आधार कार्ड रे आपणकर सिटी आधार नंबर देव दे कहीं ओटीपी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को जीव से ओटीपी देलापर ही आपणकर आईडी टी लॉगिन हे ठीक अच्छे। तो मुदेली कि आवेदन प्रक्रिया चलू ऑनलाइन माध्यम करेंगे प्रथम आपणकर आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर टी रजिस्टर्ड होता आवश्यक जो कॉलेज एडमिशन एडमिशन रिसीव थी आवश्यक हॉस्टल एडमिशन रिसीव थी आवश्यक से सब अपलोड करेंगे जदि जो मैंने हॉस्टल रोना है ना से मैंने आवेदन करूँ तो से मैं कम स्कॉलरशिप मिल जो मैंने हॉस्टल एडमिशन नहीं हॉस्टल ऑप्शन को क्लिक करो अधिक
5,000 पाखापाखि अधिक स्कलारशिप मिळिबो कि ए वर्ष बढ़ी पारे कहि हेबो ना गत वर्ष मु पीएचडी मते 20,000 टका मिळुतला मु हॉस्टल रे रहतली ठीक अछि तो ऑनलाइन माध्यम रे ओडिसा स्टेट स्कलारशिप पोर्टल खोली जाय छि शेष दिनांक डिसेंबर 14 के मतलब 15 डिसेंबर 15 है ना आपण माने आवेदन करंतु आउ ए सब आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे ही आवेदन करिवे जहार भी जहाँ जिज्ञासा रहिछे निश्चिंत कमेंट करंतु आपण ओडिसा भितरे पढ़ंतु किबा ओडिसा बाहर पढ़ंतु मु कहि दउ छी प्लस 2 ठारु पीएचडी पर्यंत जे कोनि टेक्निकल लाइन हो नर्सिंग हो मेडिकल लाइन हो बा से प्रकार जनरल लाइन हो किछि भी यदि अध्ययन करुछन्ति निश्चिंत आपण को ए स्टेट स्कॉलरशिप मिलिबो ही मिलिबो है ना तो जो पेरेंट्स के एनुअल इनकम टी न्यूनाति माने अति कम 2,50,000 रु अधिक हेई नथिबो एले आपण एलिजिबल है ठीक अछि जहार भी जहाँ जिज्ञासा रहिछ कमेंट करंतु म सहयोग करबी धन्यवाद बीएसएस कंट्रेक्ट केंद्र जड़ी हेतबारु जय जगन्नाथ जय माता।